जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेशावर में डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल से तल्लुक रखने वाले जजेस के लिए तरबियती सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें जिला पेशावर के मर्द खवातीन जजेस ने शिरकत की। तरबियती सेशन में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहिया अफरीदी और जस्टिस कैसर रशीद समेत जस्टिस रोल अमीन ने भी शिरकत की। तरबियती सेशन में जजेस को कानून शहादत के मुख्तलिफ केसों में कौन सी शहादती पेश की जा सकती है और कौन सी नहीं के बारे में आगाह किया गया। प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कानून शहादत है, क्योंकि हर फैसले की बुनियाद शहादतों पे होती है। ये शहादत कौन सी जायज़ है, कौन सी नाजायज़, यानी कौन सी लीगल है, कौन सी लीगल, कौन और उसको किसको रिकॉर्ड होना है और किसकी बुनियाद पे फैसला दिया जा सकता है और किस शहादत के साथ उसकी कोरोबोरेटिव एविडेंस की ज़रूरत होती है ताकि डिसीजन दिया जा सके। साइंस और टेक्नोलॉजी में बेहतरी आने के बाद कानून शहादत और फैसला साजी में भी बेहतरी आ रही है। हमारी जो साइंस है वो डेवलप कर रही है, उसी तरह से जो हमारे डिसीजन मेकिंग के मेथड्स हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया है, ये बेसिकली जो ज़्यादातर पोर्शन है वो बेस करता है जो हमारी डेवलपमेंट है मैथमेटिक्स में, लॉजिक में। इस सारी जो रिसर्च है उसको अब इनकॉर्पोरेट किया गया है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कैसर रशीद ने तरबियती सेशन को बेहतर अमल करार दिया, जबकि तरबियती सेशन देने वाले ट्रेनर्स को शील्ड्स भी दिए गए। कैमरामैन कामरान प्राचा के साथ मुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।